तो हे गाइज, आ गए एक और कमाल का कंसेप्ट लेकर गाइज, जिसमें आप लोगों को 26 जनवरी का फोटो एडिटिंग करने के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ इस टाइप का गाइज, आप लोग होम स्क्रीन पर दे सकते हैं गाइज, एंड यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे कैमरा वाला पिक दे सकते हैं, एंड यहाँ पे पोज भी दे सकते हैं गाइज, कुछ इस टाइप का है। एंड यहाँ पे कैमरा वाला पिक ब्लैक ब्लैक सा निकाला है, और एडिटिंग करने के बाद गाइज का ही मस्त एंड बवाल सा लग रहा है। एंड अगर आप लोग भी 26 जनवरी का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, वो भी गर्ल के साथ, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं बिना देरी के वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। अपना ओरिजिनल पिक पर आ जाना है मेरी जान, और इस पिक को यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने स्नैपशीट में। तो यहाँ से स्नैपशीट में शेयर कर लेते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे टॉप वाला ऑप्शन पे देखने सकते हैं, यहाँ पे एक साइड देखने को मिलेगा, वहाँ से राइट करके राइट कर देंगे गाइज। एंड फिर से मेरी जान यहाँ से टूल्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से ट्यून इमेज में आ जाएंगे, और यहाँ से एम्बिनियंस को हल्का सा बढ़ाएंगे 50 के 58 के करीब अपने फोटो के हिसाब से। एंड इतना होने के बाद मेरे जान यहाँ से उस थोड़ा सा स्लाइड कर यहाँ से आ जाएंगे गाइज शेडो पे। शेडो पे आकर कुछ इस टाइप का 50 के करीब में बढ़ा लेते हैं शेडो को भी। एंड इतना होने के बाद राइट कर लेते हैं, और देख सकते हैं आप गाइज आफ्टर बिफोर देख सकते हैं। एंड टूल्स पे क्लिक करेंगे, और टीम डिटेल में आ जाएंगे, और यहाँ से स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे, और यहाँ से शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे 50 के करीब में गाइज। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से बढ़ाइएगा, और यहाँ से टूल्स पे क्लिक करेंगे गाइज, एंड यहाँ पे सेलेक्टिव पे आ जाएंगे। सेलेक्टिव पे आने के बाद गाइज आप लोग को यहाँ पे फेस ब्लैक दिख रहा है, एंड सेलेक्टिव को सिलेक्ट कर यहाँ से सेचुरेशन को माइनस करेंगे, और यहाँ से ऊपर को स्लाइड कर यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, तो आपका फेस एकदम बिल्कुल वाइट हो जाएगा। एंड जहाँ जहाँ ब्लैक है तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस, एंड यहाँ पर सेचुरेशन को माइनस करेंगे तो मेरा फेस देख सकते हैं कितना बवाल सा लग रहा है। एंड इतना होने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक बार आफ्टर बिफोर देख सकते हैं एक बार, एंड फिर से आप लोगों को टूल्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से सेलेक्टिव पे आ जाना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कपड़े पे थोड़ा सा लाइट देना है, तो यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे गाइज। यहाँ से कपड़े पर लाकर यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे गाइज, जहाँ जहाँ मेरा लाइट कम दिख रहा है कपड़ों पर, एंड यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लाइट दे देंगे। एंड आफ्टर बिफोर दे सकते हैं, एक लेवल में मेरा फोटो हो चुका है। एंड इसको यहाँ से शेयर वाला आइकन पे क्लिक कर इस फोटो को यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेव शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा मेरी जान। और यहाँ से देख सकते हैं मेरा शेयर हो चुका है, एंड यहाँ से इसको शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन में टैप कर आप लोग को फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कितना बारीकी से बता रहा हूँ आप लोग को, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो आप लोग को प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना है, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तब आप मेरे जैसा सेम एडिटिंग करना सीख जाएंगे, वो भी 26 जनवरी के स्पेशल कंसेप्ट है गाइज। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे मेरी जान, एंड यहाँ से आ जाएगा मेरा फोटो। देख सकते हैं ये मेरा फोटो है जो मैं स्नैपशीट से एडिट किया था, आप लोगों को तो पता ही होगा। एंड इसमें एक क्लिक में आप लोग को क्या ही मस्त एडिटिंग हो जाएगा गाइज आप लोग को एक क्लिक में गाइज। एंड यहाँ पे ये वाला प्रीसेट ले लेंगे जो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कॉपी कर लेंगे इस सारे को, एंड यहाँ से राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद मेरी जान आप लोग को ध्यान से देखना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड यहाँ पर अपने पोज पर आ जाते हैं जो मैं स्नैपशीट वाला फोटो पर एडिट किया था। एंड यहाँ पे इस पर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद मेरे जान यहाँ से देख सकते हैं 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएगा पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। एंड पेस्ट सेटिंग क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से देख सकते हैं एक ही क्लिक में गाइज मेरा क्या ही मस्त फेस स्मूथ, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड भी बन चुका है, एंड यहाँ पे HD क्वालिटी में फेस स्मूथ हो चुका है। आफ्टर बिफोर देख सकते हैं एक बार मेरी जान। एंड यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे, मिक्स पे आ जाएंगे, और यहाँ से दूसरा वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड मेरी जान इसका थोड़ा सा फेस को वाइट करेंगे मेरी जान। एंड यहाँ से आप लोग जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको ल्यूमिनियंस को, एंड यहाँ से ल्यूमिनियंस को हल्का सा बढ़ा लेंगे इतना करीब में मेरी जान। एंड यहाँ से देख सकते हैं ह्यू को उतना रखना है, एंड यहाँ से देख सकते हैं मेरी जान इसको ल्यूमिनियंस को सेचुरेशन को इतने के करीब में रख लेंगे, डन कर देंगे। कुछ नहीं करना है मेरी जान, आफ्टर बिफोर दे सकते हैं एक क्लिक में गाइज का ही मस्त एडिटिंग हो चुका है। एंड आप लोग को पता नहीं होगा तो यहाँ से शेयर वाला आइकन पर क्लिक कर इस वीडियो को इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं। और आप लोग को वीडियो को तो पूरा एकदम ध्यान से देखना है बारीकी से, तभी आप मेरे जैसा सेम एडिटिंग कर पाएंगे, और आप लोग तो काफ़ी इंस्टाग्राम पर तबाही मचा सकते हैं। एंड यहाँ पे 26 जनवरी आने वाला है गाइज, एंड यहाँ पे इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और मेरे जैसा सेम एडिटिंग कीजिएगा मेरी जान।
और इंस्टाग्राम पर तबाही मचाइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए बिना देर किए यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है एंड यहाँ से आज मेरा फ़ोटो सेव हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ से आप लोगों को फ़ोटो दिखा देता हूँ, मेरे जान यहाँ से पूरा कटआउट कर देता हूँ एंड मैं अपने गैलरी के अंदर आ जाता हूँ। मेरे जान यहाँ से गैलरी ओपन कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ मेरे जान। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कितना HD क्वालिटी में मेरा फेस स्मूथ हो चुका है एंड यहाँ मेरा स्नैपसीड वाला एंड यहाँ पे लाइट रूम वाला फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं गाइज, कतई मस्त लग रहा है। एंड इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं मेरी जान, यहाँ से ऑटोडेस्क में शेयर कर लेना आप लोगों को। यहाँ से फेस थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, एकदम बारीकी से बता रहा हूँ गाइज, एक एक स्टेप बता रहा हूँ गाइज। यहाँ से इसको यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने लाइट ऑटोडेस्क स्केच बुक में, अपने फ़ोटो को ला लेते हैं एंड यहाँ पे ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, गोदाम खोल लेंगे ब्रश का। एंड मेरी जान यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा ब्रश देखने के मिलेगा आप लोगों को, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना एंड साइज़ भी आप लोग देख सकते हैं, फॉलो स्ट्रेंथ आप लोग चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे फॉलो को देख सकते हैं 4, स्ट्रेंथ को आप लोग को यहाँ पे 7 या 8 के करीब में रखना है। साइज़ को तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं मेरी जान। एंड मेरी जान यहाँ से फ़ोटो को मैं यहाँ से पूरा एकदम जूम कर लेता हूँ, अपने होम स्क्रीन के बराबर जूम कर लेता हूँ मेरी जान, ताकि मेरा फेस एकदम एक लेवल में स्मूथ होके और HD क्वालिटी में फेस स्मूथ होके मेरी जान। देख सकते हैं आप लोग लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ मेरी जान, आप लोग को कोई नहीं बताया होगा मेरी जान। यहाँ पर देख सकते हैं कितना HD क्वालिटी में फेस स्मूथ हो रहा है एंड यहाँ से देख सकते हैं मेरी जान का ही मस्त एंड बवाल सा लग रहा है। तो आप लोग आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो दबाना ना भूले। और वीडियो तो बहुत भाई वाच करते हैं लेकिन बट कोई लाइक नहीं करता है मेरी जान, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और मैं यहाँ से एक एक पार्ट को स्मूथ कर लिया हूँ मेरे जान, देख सकते हैं यहाँ पे एक एक पार्ट को एकदम बारीकी से स्मूथ कर रहा हूँ और वो भी HD क्वालिटी में फेस स्मूथ। आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं मेरे जान। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरे जान, एंड यहाँ पे आप लोग को वॉइस ओवर में कोई दिक्कत हो तो छोटा भाई समझ कर माफ़ कर दीजिएगा मेरे जान। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक स्टेप आराम से बारीकी से स्मूथ कर लिया हूँ मेरे जान। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को स्मूथ करके पूरा एकदम लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं, एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लास्ट तक और सेम मेरे जैसा एडिटिंग कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे तबाही मचाइएगा। और देख सकते हैं मेरे जान यहाँ पे देख सकते हैं एक एक पार्ट को मैं यहाँ से बारीकी से स्मूथ कर रहा हूँ एंड साइज़ को आप लोग को तो छोटा बड़ा करके स्मूथ करना है मेरे जान। जहाँ पर आप लोग का साइज़ को थोड़ा बड़ा मिले तो आप लोग को साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिले तो आप लोगों को साइज़ को छोटा सा कर लेना है। एंड मेरे जान यहाँ से आप लोगों को एकदम बारीकी से स्मूथ करना है, यहाँ पे एक एक पार्ट को आराम ध्यान से स्मूथ करना है। स्मूथ करने में आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है मेरे जान, नहीं तो आपका पूरा बेकार मेहनत बेकार चला जाएगा मेरे जान। एंड इतना होने के बाद मेरे जान आप लोग को देख सकते हैं एड फोटो में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे, इसका एम्प्टी लेयर एड कर लेंगे और इसको यहाँ पर ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे मेरे जान। यहाँ से आ जाएंगे मीडिया वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप लोग को कलर को तो आप लोग को पता ही होगा मेरे जान, यहाँ से रेड रखना है मेरे जान। यहाँ से आप लोग को कलर को रेड रखना है एंड यहाँ से थोड़ा सा फोटो को जूम कर देंगे और यहाँ से लिप पे ब्रशेस कर देंगे गाइस, यहाँ से हल्का हल्के हाथों से लिप पे आप लोग को ब्रशेस कर देना है मेरे जान, आप लोग को तो पता ही होगा मेरे जान। एंड यहाँ से इतना होने के बाद आप लोग को यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने फ़ोटो के हिसाब से, ताकि आपका फ़ोटो एकदम बवाल सा लगे और HD क्वालिटी में लगे मेरे जान। एंड इतना होने के बाद मेरे जान इस फोटो को यहाँ से कुछ नहीं करना है आप लोग को, वीडियो फोटो को सेव कर लेना है। तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे जान, और आपसे भाई आप ही का चैनल है यार, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है मेरे जान। तो यहाँ से थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और मेरा यहाँ फोटो सेव हो चुका है एंड यहाँ पर कटआउट करके आप लोग को यहाँ से गैलरी के अंदर ले आते हैं फोटो एंड इसको यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने
यहाँ से शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड में मेरे जान। एंड स्नैपसीड में आने के बाद मेरे जान आप लोग को थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं कहीं पे ब्लैक दिख रहा है हैंड पे, एंड यहाँ पे कहीं कहीं पे ब्लैक दिख रहा है, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे मेरे जान स्नैपसीड में। एंड यहाँ से ब्लैक दिख रहा है एंड ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे मेरे जान, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लैक दिखे आप लोग को ब्राइटनेस को सैचुरेशन को घटा बढ़ा लेना है अपने फोटो के हिसाब से मेरे जान, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे। एंड इतना होने के बाद मेरे जान यहाँ से सेव कर लेते हैं अपने फ़ोटो को, आप लोगों को कुछ नहीं करना है मेरे जान, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है एंड वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। एंड इसको यहाँ से आप लोगों को शेयर कर लेना है फोटो रूम एप्लीकेशन में गाइस, यहाँ से बैकग्राउंड को कटआउट करना है मेरे जान। यहाँ से बैकग्राउंड को कटआउट करेंगे तो आप लोग को फोटो रूम में कटआउट हो जाएगा बैकग्राउंड एकदम HD क्वालिटी में। वो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा स्कैनिंग लेगा। एंड इतना होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक वाइट एंड यहाँ से ट्रांसपेरेंट मिलेगा मेरे जान यहाँ से, तो आप लोगों को यह दोनों छोड़ देना है एंड ट्रांसपेरेंट पे आप लोगों को फोटो को सेव करना है मेरे जान, ताकि आपका फोटो एकदम HD क्वालिटी में सेव हो के। एंड यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर आप लोग को गैलरी में सेव कर लेना है। एंड यहाँ से गैलरी ओपन कर आप लोग को दिखा देता हूँ मेरे जान, ये देख सकते हैं मेरा फोटो सेव कटआउट हो चुका है बैकग्राउंड। एंड यहाँ पे कितना HD क्वालिटी में दिख रहा है। एंड आप लोग को एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बैकग्राउंड। एंड इसको यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने PicsArt में गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे PicsArt में शेयर कर लेते हैं मेरे जान आप लोग को, तो आप लोग को इस बैकग्राउंड को PicsArt में शेयर कर लेना है। एंड यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके यहाँ से रिसाइज कर लेना अपने फ़ोटो के हिसाब से, देख सकते हैं रिसाइज कितना भी हो यहाँ से एडजस्ट चेक कर लेंगे। यहाँ पे 2244 रख कर यहाँ से रिसाइज करते हैं मेरे जान, देखते हैं होता है कि नहीं, तो हो गया है यहाँ पे, ताकि आपका फोटो एकदम HD क्वालिटी में सेव होके। एंड 8 फोटो पे क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है मेरे जान, यहाँ से वीडियो को आप लोग को स्किप नहीं करना है, एक एक पार्ट को ध्यान से देखना है। एंड यहाँ पे PNG का खेल है मेरे जान, यहाँ पे देख सकते हैं PNG का खेल है मेरे जान यहाँ से। एंड यहाँ से PNG को आप लोग को एकदम इस तरह कुछ इस टाइप का आप लोग को सेट कर लेना है मेरे जान यहाँ से, एंड राइट कर लेना है। एंड यहाँ पे 8 फोटो पे क्लिक कर एक और PNG ऐड करना है, यहाँ पे बहुत सारा PNG ऐड करने के बारे में बताऊंगा एंड एकदम सिंपल सा। एंड यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड यहाँ पे 26 जनवरी वाला PNG ले लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको यहाँ पे ऊपर की साइड में अपने एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ पे भी आप लोग को अच्छा लगे वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं देख सकते हैं। एंड इतना होने के बाद यहाँ से राइट कर लेते हैं, राइट करने के बाद फिर से आप लोग को देख सकते हैं 8 फोटो पे क्लिक करना है मेरे जान, एकदम बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ। एंड ध्यान से आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाला PNG है, एंड इसको भी यहाँ से साइज को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है ये PNG। एंड आफ्टर बिफोर देख सकते हैं। एंड यहाँ से 8 फोटो पे क्लिक कर मेरे जाने यहाँ से देख सकते हैं अपने मॉडल को ऐड करना है। इतना होने के बाद आप लोग को मॉडल को ऐड करना है, एंड यहाँ पे ये गर्ल वाला मॉडल है एंड ये इसको ऐड करना है। एंड मेरे जाने इसको आप लोग को ये सारा PNG आप लोग को बता दूंगा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा आप लोग को ये सारा PNG, एंड ये गर्ल वाला भी PNG मैं बता दूंगा कि आप लोग को कहाँ मिलेगा। एंड इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं मेरे जान यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा वॉइस में थोड़ा दिक्कत आएगा मेरे जान, तो आप लोगों को छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना वॉइस में दिक्कत आए तो इतना होने के बाद यहाँ से राइट कर लेंगे और यहाँ से मॉडल को ले लेंगे और इसको यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करके इसको यहाँ से रोटेट कर लेते हैं मेरे जान यहाँ से देख सकते हैं किस तरह आप लोग को अच्छा लगे उस तरह आप लोग को इसको सेट कर लेना है अपने फ़ोटो के हिसाब से। आप लोग का पोज जिस टाइप का रहेगा उस टाइप का आप लोग को इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ मेरे जान यहाँ से कुछ इतना पे रख लेता हूँ, ताकि मेरा फ़ोटो एकदम HD क्वालिटी में दिखे और दिखने में अच्छा लगे। इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेता हूँ मेरे जान ऊपर की साइड में। एंड इतना होने के बाद यहाँ से राइट कर लेते हैं मेरे जान, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है आफ्टर एंड बिफोर देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर से 8 फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे PNG मिलेगा गाइस, यहाँ पे जो मैं PNG यूज कर रहा हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और ये सारा PNG डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला PNG दिख रहा है वहाँ पे ऊपर में, एंड यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बवाल सा लग रहा है ये PNG,
काफ़ी ज़्यादा होसम एंड बवास लग रहा है। एंड इसको राइट करने के बाद यहाँ से फिर से आप लोग को एड फोटो पे क्लिक करके ये वाला PNG को ऐड करना है। यहाँ पे बर्ड वाला PNG है जो काफ़ी देखने में ओसम एंड यहाँ पे तिरंगा कलर का बर्ड है, यहाँ पे पक्षी है, कबूतर है। एंड यहाँ से कुछ इसको आप लोग को फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है साइड साइड में दोनों की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को, यहाँ से कहीं भी अच्छा लगे तो आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। एंड इतना होने के बाद यहाँ से इरेज कर लेना है एक बर्ड को, यहाँ से एक बर्ड को इरेज कर लेना है। एंड यहाँ से राइट कर लेना है यार, इस पर टैप करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर ऐड कर लेते हैं इसको भी यहाँ से, और कुछ इस टाइप का आप लोग को इधर एडजस्ट कर लेना है मेरे जाना निर्णय होने के बाद राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद देख सकते हैं आफ्टर बिफोर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ओसम लग रहा है। एंड यहाँ से फिर से आप लोग को एड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से PNG ऐड करेंगे। ये वाला PNG आप लोग को ऐड करना है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोग को PNG ये वाला ऐड कर लेना है। आप लोग को सारा PNG मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एकदम ध्यान से देखना है। देख सकते हैं एक एक स्टेप बताया हूँ। आप इसको यहाँ से आप लोग शर्ट के ऊपर लाएंगे, यहाँ से सबसे नीचे वाला कलर को एडजस्ट कर लेंगे मेरी जान। एंड यहाँ से क्रॉप कर लेंगे, राइट कर लेंगे और इसको यहाँ से ब्लेंडिंग पे आ जाएंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई पे एडजस्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से सेट कर देंगे मेरी जान, कुछ नीचे की ओर सेट कर देंगे। तिरंगा कलर दिखेगा मेरे जान, यहाँ पे शर्ट का कलर चेंज करने वाला है। एंड इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। एंड इरेज करने के बाद यहाँ से हल्का हल्का तासु इरेज कर लेना है मेरे जान। एंड यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बारीकी से एक एक पार्ट बता रहा हूँ। एंड इसको इरेज कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे रख लेना है। यहाँ पर तीनों कलर को एडजस्ट करना है एंड यहाँ से राइट कर लेना है। एंड यहाँ से आप लोग को एड फोटो पे क्लिक करना है, फिर से मेरे जान एड फोटो पे क्लिक करना है और वही PNG आप लोग को एड करना है जो PNG एड किए थे। और उसको लेने के बाद यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करेंगे मेरे जान, यहाँ से थोड़ा सा फोटो के हिसाब से क्रॉप पे क्लिक करेंगे मेरे जान। यहाँ से ब्लेंडिंग पे आ जाता है, सॉरी गाइस, यहाँ से ब्लेंडिंग पे आ जाकर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपने शर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपका शर्ट आपका झंडा की तरह दिखे एंड यहाँ पर फ्लैग की तरह दिखे। एंड यहाँ पर ब्रशेस वाला पे आइकन पे क्लिक कर कर आप लोग को ब्रशेस को आराम से कर लेना है, अपने शर्ट के ऊपर चला लेना है कुछ इस टाइप का। आप लोग को देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं मेरी जान। एंड यहाँ पे देख सकते हैं भाई लोग कितना OP एंड बवाल सा लग रहा है मेरी जान, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक एक स्टेप आप लोग को बारीकी से बता रहा हूँ, एकदम रियलिस्टिक बता रहा हूँ गाइज, यहाँ पे कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं जो जो मैं PNG एड किया हूँ वो सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एकदम लाइव प्रूफ के साथ कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इरेजर पे यहाँ पे हल्का हल्के हाथों से पूरा एकदम ब्रशेस कर लेना है मेरे जान, एक एक पार्ट को आप लोगों को ब्रशेस कर लेना है कुछ इस टाइप का देख सकते हैं, ताकि आपका मतलब यहाँ पर कपड़ा एकदम तिरंगा कलर दिखे एंड यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त एंड बवाल सा दिखे देख सकते हैं। एंड यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग को इरेज कर लेना है, इरेजर वाला आइकन पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग को इरेज कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यहाँ से हल्के हल्के हाथों से आप लोग को एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग को इरेज कर लेना है। और वीडियो को तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप मेरे जैसा सेम एडिटिंग कर पाएंगे। एंड यहाँ से वीडियो को एकदम एक एक पार्ट को आप लोग को ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है, ठीक है मेरी जान। एंड इतना होने के बाद यहाँ से इरेज कर लेते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा थोड़ा सा। एंड यहाँ से साइड साइड से इरेज कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को, ठीक है। एंड यहाँ पे हाथ पे भी है, एंड यहाँ पे हाथ वाला को यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, आप लोग को एकदम इरेज कर लेना है। आप लोग को यहाँ पे शर्ट पे खाली रखना है, इसको शर्ट के कलर पे रखना है, यहाँ पे जो शर्ट जो किसी भी टाइप का शर्ट हो आप लोग को यहाँ पे इसको आप लोग को एडजस्ट कर लेना है और इरेज कर लेना है एक्स्ट्रा पार्ट को, ताकि आपका शर्ट एकदम झंडा कलर दिखे और देखने में काफ़ी मस्त लगे, ठीक है।
मिर्जान देख सकते हैं आप लोग, काफी ज्यादा मस्त लग रहा है मिर्जान। यहाँ पे शर्ट के कलर यहाँ पे देख सकते हैं, मस्त लग रहा है, कितना ओपी एंड बवाल सा लग रहा है मिर्जान, देखने में काफी मस्त लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसा कर लीजिएगा। और मैं एक और पीएनजी ऐड करूंगा गाइस, जो फ्लैग वाला है। एंड यहाँ पे जो फ्लैग वाला पीएनजी है, वो सारा पीएनजी आप लोग को मिल जाएगा आराम से। आप लोग मेरे जैसा सेम एडिटिंग कर पाएंगे मिर्जान, इजीली आप लोग मेरे जैसा सेम एडिटिंग कर पाएंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को तो ध्यान से देखना है, तभी आप मेरे जैसा सेम एडिटिंग कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग को यहाँ पे साइड साइड में बैठा लेना है, अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एंड इतना होने के बाद आप लोगों को सिंपल सा यहाँ से राइट कर लेना है। यहाँ खाली आप लोग का पीएनजी का खेल है, और वीडियो को ध्यान से देखना है तो आप लोग मेरे जैसा सेम एडिटिंग कर पाएंगे। और जो जो पीएनजी ऐड किया हूँ, वो सारा पीएनजी आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाएगा। और ये सारा पीएनजी A to Z पीएनजी आप लोग को वहां पे दे देंगे मेरी जान, ठीक है। एंड यहां पे ये वाला, यहां पे इसको यहां से एडजस्ट कर लेते हैं, यहां पे कहीं भी रख लेते हैं। एंड यहां से डुप्लीकेट लेयर ऐड कर इसको इस कोने पर भी यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि यह हमारा देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगे। इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं ताकि हमारा देखने में और ज़्यादा मस्त लगे फोटो, देख सकते हैं। एंड इतना होने के बाद गाइस यहाँ से राइट कर लेना है, देख सकते हैं मैं एक एक पार्ट को आप लोग को ध्यान से दिखाया बताया हूँ एंड यहाँ पे सिखाया हूँ। तो आप लोग को सेम मेरे जैसा एडिटिंग करना है तो वीडियो को तो ध्यान से देखना पड़ेगा, और शुरू से लेकर वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप मेरे जैसे सेम एडिटिंग कर पाएंगे। और स्क्रॉल करके देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आप मेरे जैसे सेम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे मेरी जान। एंड इसको फ्लैग वाला ले लेते हैं और इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं, और अपने हाथ को यहाँ से कुछ हैंड पे आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। और आप पोज दिए होंगे तो आप लोग को एडजस्ट कर लेना है, और इस टाइप का पोज नहीं रहेगा तो आप लोग को ये फ्लैग नहीं यूज करना है, ठीक है मेरी जान। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छा दिखे। एंड यहाँ से इतना होने के बाद मेरे जान आप लोग को यहाँ से इरेज कर लेना है हल्का हल्का हाथों, हाथों से। एंड यहाँ से राइट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं गाइज मस्त लग रहा है। एंड यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, एंड यहाँ पे आफ्टर बिफोर देख सकते हैं, एड फोटो पर क्लिक करेंगे। और मेरे जान यहाँ से यहाँ पे जो जो पीएनजी ऐड कर रहा हूँ वो सारा पीएनजी आप लोग को मिल जाएगा। एंड यहाँ से वंदे मातरम वाला पीएनजी ऐड करूँगा, ठीक है, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे गालों पे यहाँ पे वंदे मातरम वाला पीएनजी ऐड करूँगा, और इसको यहाँ से राइट कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ से राइट कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग को ओपेसिटी को यहाँ से हल्का सा कम कर देंगे 80 के करीब में, ताकि हमारा एकदम HD मस्त लगेगा, ठीक है। एड फोटो पर क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फ्लैग को ऐड करेंगे, ये वाला फ्लैग पीएनजी है, जो सारा पीएनजी मिल जाएगा आप लोग को, एक एक पीएनजी आप लोग को दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, एक एक पीएनजी बोल रहे हैं A to Z पीएनजी दे देंगे। एंड इसको ओपेसिटी को आप लोग को 85-80 के करीब में रख लेना है। एंड इसको भी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से डुप्लीकेट लेयर ऐड कर लेते हैं इसको। एंड यहाँ से इसके गाल पे भी, लड़की के गाल पे यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लाइव प्रूफ साथ देख सकते हैं मेरे जान। एंड इसको भी ओपेसिटी को आप लोग को 70-80 के करीब में रख लेना है, एंड राइट कर लेना है, ठीक है मेरे जान। इतना होने के बाद आप लोग को देख सकते हैं आफ्टर बिफोर देख सकते हैं, एकदम लाइव प्रूफ के साथ मेरा फोटो बन के रेडी हो चुका है मेरे जान। एंड इतना होने के बाद आप लोग को यहाँ से आप लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप लोग को इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है अपने गैलरी के अंदर मेरी जान। एंड यहाँ पे आप लोग का पी कार्ड का काम सारा चीज़ हो गया है, जो जो पीएनजी ऐड करने वाले थे वो सारा पीएनजी ऐड करके दिखा दिए हैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ। एंड यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को फोटो दिखा देते हैं मेरी जान, काफ़ी ज़्यादा मस्त एंड बवाल सा लग रहा है मेरी जान यहाँ पे 26 जनवरी का फोटो। एंड इसको यहाँ से शेयर कर लेते हैं स्नैपचैट में मेरी जान, एक एक पार्ट को ध्यान से देखना है। स्नैपशीट में मैं क्यों शेयर किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा लड़की ब्लैक दिख रही है। एंड इसको यहाँ से सेलेक्टिव को सिलेक्ट करके यहाँ से गर्ल को यहाँ से वाइट कर लेंगे, ठीक है मेरे जान। यहाँ से जहाँ जहाँ ब्लैक दिखेगा गर्ल के, तो यहाँ से ब्राइटनेस दे देंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है यहाँ पर गर्ल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है, यहाँ पर एक लेवल में दिख रहा है। एंड यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लैक रेड कुछ भी दिखे, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है मेरे जान। एंड यहाँ से इसको
स्क्रॉल करके सेचुरेशन को घटाना है तो आपका फेस एकदम HD क्वालिटी में दिखेगा। एंड इसको टैप कर कर यहाँ से हाथों पे भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से ब्राइटनेस दे देते हैं एंड यहाँ से सेचुरेशन माइनस कर देते हैं। देख सकते हैं गाइज आप लोग लाइफ प्रूफ के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है और सेचुरेशन को घटाना है। एंड मेरे फेस पे भी थोड़ा सा ब्लैक है एंड यहाँ इसको ब्राइटनेस देंगे और रहने देंगे, ठीक है मेरी जान। यहाँ पर बिफोर देख सकते हैं, इतना होने के बाद मेरी जान यहाँ से स्नैपशॉट का भी काम ख़त्म हो चुका है। एंड इसको यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने, यहाँ से शेयर कर लेते हैं, शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने मेरे जान यहाँ से ऑटोडेस्क स्केच बुक में, ठीक है मेरे जान। ऑटोडेस्क स्केच बुक में फिर से आप लोग को आ जाना है अपने फ़ोटो को लेकर, मॉडल वोडल के साथ आप लोग को फ़ोटो को ले लेना है, एकदम सारा PNG एड टू जेड एड करके आप लोग को ले लेना है। एंड इसका यहाँ से देख सकते हैं आँखों पर यहाँ पर लेंस लगाएंगे कुछ इस टाइप का, इसको डुप्लीकेट ले एक एम्प्टी लेयर एड कर लेते हैं। एंड इसका यहाँ पे रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं मेरे जान, यहाँ से रेड को, ठीक है कुछ इतना रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से स्किप कर देते हैं और यहाँ से फ़ोटो को जूम कर लेते हैं, ठीक है मेरे जान एकदम फ़ोटो को जूम कर लेना है। और यहाँ इसका साइज़ को आप लोग को छोटा रखना है साइज़ को। एंड यहाँ पर देख सकते हैं और छोटा रख कर आप लोग को आँखों पर मेरे जान थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है और मैं आप लोग को मेहनत कर रहा हूँ मेरे जान, आप लोग के लिए मेहनत ला रहा हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट ला रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा रेड कर लेंगे और इसको भी यहाँ से गर्ल को भी यहाँ से थोड़ा सा रेड कर लेंगे, साइड साइड में रेड कर लेना है आप लोग को। एंड यहाँ पे भी रेड कर लेते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेकार से लग रहा है। एंड इसको ओपेसिटी को आप लोग को यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है मेरे जान, यहाँ से ओपेसिटी को एकदम कम कर देना है अपने फ़ोटो के हिसाब से कम कर देना है ताकि आपका फ़ोटो एकदम HD क्वालिटी में दिखे यहाँ से। एंड एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग को यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो जो भी हो यहाँ से इरेज कर देना है भाई। आप लोग को देख सकते हैं भाई कितना मेहनत करके वीडियो ला रहा है गाइज, यहाँ पे थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है तब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड किया हूँ आप लोग के लिए, और ताकि आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और यहाँ से चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एंड यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर देंगे और यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे अपने आँखों के हिसाब से, आप लोग को एडजस्ट कर लेना है इस कलर को, ठीक है रेड कलर को। तो आप लोग को देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है मेरी जान, आप लोग को कोई नहीं बताया होगा एकदम लाइव प्रूफ के साथ। एंड एक एक पार्ट को बताया है मेरी जान, यहाँ से एक एक पार्ट को आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। एंड इतना होने के बाद यहाँ से इरेज कर लेते हैं एकदम आँखों के हिसाब से, आप लोग को एडजस्ट रखना है मेरी जान, ठीक है। यहाँ से गर्ल का भी यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से साइज़ को छोटा रख लेंगे रेड कलर को, ठीक है। एंड यहाँ से हल्के हल्के हाथों से यहाँ से ब्रशेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से। एंड इतना होने के बाद मेरे जान यहाँ से फिर से आप लोग को एम्प्टी लेयर आइकन पे क्लिक करना है एंड इसको डुप्लीकेट लेयर ऐड कर लेना है। और इसका यहाँ से कलर को आप लोग को ग्रीन रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं हरा कलर एकदम तिरंगा कलर रखना है आप लोग को। एंड यहाँ से आप लोग को इस कोने पर आप लोग को अप्लाई कर लेना है, इसका ओपेसिटी को इतना रख लेना है 50-40 के करीब रख लेना है। एंड इसको यहाँ से हल्के हल्के हाथों से ब्रशेस कर लेना है, यहाँ पे दोनों आँखों में कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक आँख में यहाँ पे कर रहा हूँ एकदम यहाँ से बारीकी से एकदम आराम से कर लेना है आप लोगों को। एंड इसको भी यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एकदम फ़ोटो एकदम भौकाल दिखे, काफ़ी ज़्यादा मस्त एंड बवाल दिखे, ठीक है। जैसे तो एकदम काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है आप लोग को, ठीक है, एकदम से मेरे जैसा एडिटिंग कीजिएगा और तबाही मचाइएगा इंस्टाग्राम पे। और आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर लीजिएगा, लिंक दे देंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा और मेरे जैसा सेम एडिटिंग कीजिएगा और मेरे को मेंशन कीजिएगा, ठीक है। एंड इतना होने के बाद मेरे जान आप लोग को यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक फ़ोटो को एड करना है, ठीक है, आप लोग को तो जानते ही होंगे यहाँ से एक PNG एड करने वाले हैं, ठीक है मेरे जान। देखते हैं ये वाला PNG है और इसको यहाँ से राइट कर लेते हैं और इसको ओपेसिटी पा जाते हैं और इसको यहाँ से एकदम स्क्रीन या मल्टीप्लाई पे क्लिक कर मल्टीप्लाई रख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इतना होने के बाद मेरे जान यहाँ पे देख सकते हैं इसको यहाँ से घिस के लेके जाना है, तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला आइकन पर क्लिक करना है ऊपर जो दिख रहा है और इसके ट्रांसफेट पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है मेरे जान, आप लोग छोटा बड़ा कर इसको यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड यहाँ से
आप लोग को एडजस्ट कर लेना, राइट कर लेना, एंड यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड फोटो को जूम कर लेना है, फिर से आप लोग को उस पर क्लिक करना है और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। एंड इसको आप लोग को टिके के हिसाब से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है, जो आप लोग को देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एडजस्ट कर लेना है इस PNG को, ठीक है। और यहाँ से राइट कर लेना है ताकि आपका फ़ोटो एकदम मस्त दिखे, देख सकते मेरे जान। और इसको यहाँ से सारे को यहाँ से मर्च ओपेसिटी को कम कर लेंगे, और इसको यहाँ से सारे को आप लोग को मर्च कर लेना है मेरे जान, ठीक है। यहाँ से सारे को आप लोग क्लिक कर मर्च आल पे क्लिक करके इसको सारे को मर्च कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो बनकर रेडी हो चुका है, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओसम एंड बवाल सा दिख रहा है। और आप भी मेरे जैसा सेम एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को तो लास्ट तक देखेगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है मेरे जान। एंड आप लोग को गैलरी के अंदर दिखा देता हूँ एकदम, जो मैं आप लोग को थंबनेल में बताया था एकदम सेम मेरे एडिटिंग हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल वाला एडिटिंग हो चुका है। एंड इसको यहाँ से शेयर कर लेते हैं एक बार रेमनी एप्लीकेशन में, ठीक है मेरे जान, ताकि हमारा फ़ोटो लो क्वालिटी में है तो यहाँ पे हाई क्वालिटी में आ जाएगा एकदम क्लियरिटी के साथ, ठीक है। एंड यहाँ से आप लोग को, ठीक है मेरे जान, यहाँ से रेमनी एप्लीकेशन में एकदम शेयर कर लेना है अपने फ़ोटो को यहाँ से, एंड यहाँ से इस पर टैप कर देना है। और आप लोग को तो पता ही होगा मेरे जान, यहाँ से एड आता है रेमनी एप्लीकेशन में, तो आप लोग को रेमनी को फुल वॉच करना है, एंड सॉरी गाइस एड को फुल वॉच करना है, ठीक है, तभी आपका रेमनी काम करेगा, ठीक है मेरे जान। तो आप लोग को रेमनी ऐप को डाटा को ऑन रखना है तभी ये काम करता है, ठीक है। एंड यहाँ से एड में पूरा वॉच कर लिया हूँ, एंड यहाँ से कटआउट कर देता हूँ, एंड यहाँ से थोड़ा सा लोड लेगा, एंड यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरिटी आ चुका है मेरे फोटो में। इसको यहाँ से ऊपर जो प्लस वाला दिख रहा है यहाँ पे लाइन दिख रहा है, इसको इधर साइड लेकर जाएंगे तो क्लियरिटी आएगा। और इसमें भी आफ्टर बिफोर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है आफ्टर बिफोर, देख सकते हैं बिफोर वाला है एंड यहाँ पे आफ्टर वाला, तो मैं यहाँ पे बिफोर पे क्लिक कर इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे डाउनलोड करने से, यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है, और आप लोग को नेट ज़्यादा फास्ट रहेगा तो यहाँ से फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। एंड यहाँ से राइट कर लेते हैं, ठीक है, इस यहाँ से राइट कर लेते हैं। और यहाँ से राइट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है। एंड इसको यहाँ से डाउनलोड पे फिर से आप लोग को क्लिक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरिटी में भी आ चुका है मेरे जान, फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग लाइव प्रूफ के साथ। तो ये रेमनी का कमाल है मेरे जान, ठीक है, रेमनी का कमाल है। तो आप लोग रेमनी डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इजीली आप लोग को मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, तो आप लोग भी अपने फ़ोटो में क्लियरिटी ला सकते हैं। धुधरा कितना भी धुधरा फ़ोटो हो, ब्लर सा फ़ोटो हो, तो आप लोग क्लियरिटी ला सकते हैं रेमनी एप्लीकेशन के सहायता से, ठीक है। एंड यहाँ से मेरे फ़ोटो सेव कर लिया हूँ, ठीक है मेरे जान। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक करना ना भूले।